हेलो, नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग? अभी मेरे दोस्त जुड़ेंगे थोड़ी देर में। एक छोटा सा मैसेज आप लोगों के लिए है मेरी तरफ से, तो इसलिए मैं ये लाइव आया हूँ। काफ़ी चुप हो जाओ जरा। थोड़ा मैसेज ये था कि काफ़ी दिनों से मुझे मैसेज आ रहे हैं कि मैं क्यों नहीं खेल पा रहा हूँ और क्या हुआ, मैं क्यों नहीं प्रो कबड्डी में हूँ। अरे थैंक यू सो मच, काफ़ी प्यार आप लोगों का देखने के लिए मिला है। मैसेज ये है कि ऐसा हुआ कि मेरे थोड़ा बैक में इंजरी है, उस इंजरी की वजह से मैं खेल नहीं पाया और अब मुझसे सब ये पूछ रहे हैं कि आप हो कहाँ पे। फिलहाल मैं घर पे हूँ क्योंकि मैंने ये हाफ में जो दबंग दिल्ली टीम का जो कैंप था उसे लीव कर दिया है। मैं घर आ गया हूँ वापस ड्यू टू माय इंजरी, क्योंकि मेरे थोड़ा इंजरी हो गया था कैंप में। तो लेकिन फिर भी मैंने अपना बेस्ट दिया, मैं कोशिश कर रहा था कि मैं रिकवर हो जाए, पर लेकिन कुछ कारणवश ये नहीं हो पाया रिकवर, क्योंकि मैच के चलते वहाँ प्रैक्टिस के चलते रेस्ट का टाइम नहीं मिला, तो मेरे पेन भी काफ़ी रहा। तो सबसे बड़ी बात ये रही कि मैं बिल्कुल खुश हूँ कि मुझे काफ़ी आप लोगों का प्यार मिलता रहा और आप लोग सब मुझसे पूछते रहे कि सर इन सब चीज़ों से मेरा मुझे बड़े बड़ा हौसला मिला आप सबका, आप सबकी तरफ से। और अब इस सीज़न में आप मुझे नहीं देख पाएंगे दोबारा प्रो कबड्डी सीज़न में, क्योंकि मेरा जो मैंने अपने डॉक्टर से कंसल्ट किया था, उन्होंने बोला था कि आपको रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि जो ये पेन है या ये तो छोटा सा एक माइनर फ्रैक्चर आया है, ताकि मैं उससे रिकवर हो सकूं। तो ये मैं लाइव इसलिए आया हूं कि काफ़ी लोग मुझसे बार बार पूछ रहे थे कि सर आप क्यों नहीं खेल रहे, क्यों नहीं खेल रहे। तो मुझे लग रहा था कि ये भी ज़रूरी है कि मैं आप लोगों के साथ ये साझा कर दूँ ये मैसेज कि मैं क्यों नहीं खेल पा रहा हूँ। और काफ़ी प्यार मिला दबंग दिल्ली की तरफ से भी और आप सबकी तरफ से भी, और मैं आशा करता हूँ कि दबंग दिल्ली की टीम जरूर फाइनल में पहुँचे और हमारे सभी प्लेयर्स अच्छा करें वहाँ पे, जितने भी हर एक टीम प्रो कबड्डी में जो खेल रही है वो सब अच्छा करें। और मेरी हर एक प्लेयर को मेरी तरफ से बेस्ट विशेज है कि वो सब अच्छा अच्छा करें, है ना। और काफ़ी बुरा लग रहा है क्योंकि बीच में फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मुझे बीच में टीम छोड़ करके वापस आना पड़ा, और वो भी इंजरी की वजह से। भगवान ने हमेशा मेरा साथ दिया है, यहाँ तक मैं जहाँ भी पहुँचा हूँ आप सबका, भगवान का मेरे ऊपर आशीर्वाद रहा है, आप लोगों का भी भरपूर प्यार मुझे मिला है। पर चलो अब थोड़ा इस सीज़न में कुछ ये मिस हैपनिंग हो गई थोड़ी सी, है ना, इंजरी थोड़ी बड़ी हो गई थी, इसलिए मुझे ये कैंप छोड़ना पड़ा, टीम को छोड़ना पड़ा, क्योंकि इसमें ऐसा था कि लाइफ बहुत लॉन्ग है और इंजरी थोड़ा सीरियस हो गई थी। तो काफ़ी हमारे कोच साहब ने और मेरी टीम ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है, उन्होंने भी मुझे यही बोला, हमारे कोच साहब ने भी, कि बेटे लाइफ बहुत लॉन्ग है, बड़ी लंबी लाइफ है, तो कि खेलने के साथ साथ अपनी सेहत भी ज़रूरी है ना। तो इसलिए फिर मैंने ये फैसला लिया कि चलो अब मैं वापस घर जाता हूँ और अपना जो मेरी जो इंजरी है इसको रिकवर करने की कोशिश करता हूँ। डॉक्टर से मैंने कंसल्ट किया है तो, और वो चला हुआ है ना। और काफ़ी मेरे दोस्त रोहित अक्की, विजय मलिक, मोहित, ये सब जुड़े हुए हैं साथ में। आप सबको मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार, खूब अच्छा खेलो और कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट सीजन में मैं वापस खेल पाऊँ, आऊँ आप सब लोगों के बीच में। और काफ़ी अब मैं मेरे जो मुझे मैसेज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, सबका रिप्लाई नहीं कर पाऊँगा मैं। मोहित भैंसोवाल का आया है, लीना शर्मा जी का आया, हेलो, तो स्वाति राणा जी भाई जी, राम राम, थैंक यू। तो मैं काफ़ी लोगों के फिर भी इसमें मैसेज आ रहे हैं, मैं फिर से बता देता हूँ कि मैं घर वापस आ गया हूँ और ड्यू टू माय इंजरी। राजेश नरवाल, मेरा टोनू भाई, हेलो भाई, कैसे हैं आप सब? तो रोहित तक्की का मैसेज आया है, लव यू ब्रो, लव यू लव यू लव यू। लीना शर्मा जी का मैसेज आया है, मिस यू लो, थैंक यू वेरी मच। मैं भी काफ़ी मिस करूंगा आप लोगों को, क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा प्यार मुझे मिला है। मैं यहाँ तक मेरी लाइफ में जो कुछ भी मुझे मिला है मैं उसका पूरे श्रेय आप लोगों को देता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने जितना मेरा हौसला बढ़ाया है मेरी लाइफ में,
वो एक काबिले तारीफ था, मुझे हमेशा हमारे सुख दुख में आप हमेशा हमारे साथ खड़े हुए हो, क्योंकि राहुल ने अभी ज्वाइन किया है। तो थैंक यू यार आप सबके इतने प्यार के लिए। और ये मैसेज मेरा ये था कि आप लोगों के साथ मेरा साझा करने का, क्योंकि काफ़ी मैसेजेस मुझे आ रहे थे कि भाई आप क्यों नहीं खेल रहे हो, कहाँ हो, तो मैंने चला आप सबको बता दूँ। अनूप भाई साहब नमस्कार जी, अनूप भाई का भी मैसेज आया है। तो बस यही मेरा एक मेन मोटिव यही था आप ये वीडियो सॉरी लाइव आने के लिए, कि मैं आप लोगों के साथ ये साझा कर दूँ कि मैं कहाँ पे हूँ, मैं क्यों नहीं खेल रहा हूँ। यही मेरा मेन मोटिव था आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करने का। लव यू, आप सब खूब अच्छे से खेलें, और मैं भी अगर हमारी टीम दिल्ली फाइनल में गई तो मैं 101% द्वारा हम लोग आएंगे बेंगलोर मैच देखने के लिए, और भगवान ने चाहा तो ज़रूर अगले सीजन में आप सबके साथ मिलेंगे फिर से। बाय, लव यू। और घर पे बैठा हूँ, भाई के भी इंजरी है, हम भाई हैं तो हम शाम को सभी इकट्ठा होके बैठे हैं। ये अभिनंदन है, ये 6 सीजन में प्रो कबड्डी में भी था हमारी टीम में तमिल थलाईवास में। दर्शन कादियान का मैसेज आया है, राम 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 भाई जी, सबको राम राम। काफ़ी अच्छा लगा आप सबसे बात करके, लव यू। कट कहाँ से हो, काफ़ी दिन बाद लाइव आया हूँ तो यही है ना।